ले चलेंगे किचन के अंदर, हम आपको मैगी वगैरह करके दिखाएंगे, पिज़्ज़ा बनता किस तरह, तैयार किस तरह होता है और इसमें क्या क्या एडिशन करते हैं। सही बात। ये क्या कार्ड है इनके? जी ये इनके डिस्काउंटेड कार्ड होते हैं, ये कस्टमर को हम दे देते हैं। तो ये देखें जी, खासतौर पर जो सॉस यूज़ कर रहे हैं ये टिन पैक यूज़ कर रहे हैं, और जो मैंने जो चिकन वगैरह बकायदा बहुत अच्छी पैकिंग में पूरा पैक्ड है, और बैच नंबर और मैन्युफैक्चरिंग डेट भी इस पर लिखी हुई है। पिज़्ज़ा और पिज़्ज़ाओं से इनका पिज़्ज़ा थोड़ा बेहतर है, बेहतर नहीं बेहतरीन है। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल एक्सप्लोर कराची में खुशामदीद कहता हूँ। आज हम आए हैं पिज़्ज़ा 360 की कोरंगी ब्रांच में। आज की वीडियो कुछ खास होने जा रही है, आपने एंड तक ज़रूर देखनी है, क्योंकि पिज़्ज़ा 360 के किचन में लाइव पिज़्ज़ा मेकिंग आपको दिखाएंगे। यहाँ के जो ऑनर हैं उनसे मिलवाएंगे और फूड पैंडा की कुछ मालूम लेंगे, और इनका क्या प्रोसीजर है और किस तरीके से ये डील कर रहे हैं, इन सब के बारे में हम आज बात करेंगे। तो चलिए इसका अंदर विज़िट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि पिज़्ज़ा 360 यहाँ पे कैसे काम कर रहा है। ये जो सिटिंग एरिया है बड़ा अच्छा सेटअप बना हुआ है, यहाँ पे फैमिलीज वगैरह किड्स और आप जो भी सहूलत के साथ यहाँ पे आ सकते हैं। ये इनकी डील्स हैं, ये इसके दूसरा भी आप देख सकते हैं, इसको मैं जूम करके आपको दिखाऊं। बहुत ही इकोनॉमिकल रेट है और बाकी जो क्वालिटी वगैरह वो भी आप दिखाते हैं। पिज़्ज़ा 360 के जो ऑनर हैं और जो रन कर रहे हैं इसको माशाल्लाह, उनसे बात करते हैं थोड़ी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह के शुक्र है। और थोड़ा सा आप अगर हमें तफसील दे सकें पिज़्ज़ा 360 के बारे में, कि इसकी आपके पास और भी ब्रांच है, कब से आपने ओपनिंग की, क्या आइडियाज़ आपके पास अवेलेबल हैं और क्या क्या? वन लार्ज के साथ 500 ml ड्रिंक भी रखी हुई, टू लार्ज है उसके साथ, डेढ़ लीटर ड्रिंक के साथ 1000 की भी रखी हुई। अच्छा, मैं आपको ये थोड़ी सहूलत की नाजर आपको ये आपको दिखा सकूँ। ये थ्री लार्ज है, 1450 की है डेढ़ लीटर ड्रिंक के साथ, अदरवाइज 200 का स्मॉल पड़ जाएगा आपको, 350 का रेगुलर पड़ेगा, 450 का लार्ज पड़ेगा। फ्लेवर हमारे पास टिक्का है, फजीता है, तंदूरी है, सिसिलियन है, क्रीमी है, अफगानी है, मलाई बूटी है, ग्रीन टिक्का है, सुप्रीम चिकन सुप्रीम है, और इससे हट के हमने एक ही मेंबरशिप कार्ड भी बनाया हुआ है। अच्छा, उसमें डिलीवरी नंबर भी है, हम डिलीवरी भी कर लेते हैं, होम डिलीवरी भी है हमारी फ्री, और अदरवाइज ये हमारे कूपन कार्ड हैं, इसके बाद 3 कूपन का आपको बेनिफिट मिल रहा है। ये 500 का परचेज करना पड़ता है कार्ड पहले आपको, फिर ये 3 कूपन में आपको बेनिफिट है, 400 का, ये 1000 का लार्ज है, ये आपको 400 का पड़ रहा है, ठीक है। स्मॉल 200 का, 400 का लिखा हुआ है, मैं 100 का मिलेगा, 800 का रेगुलर है, 250 का मिल रहा है, ये 3 कूपन आपको बेनिफिट दे रहे हैं। सही, यानी कि एक दफ़ा ये 499 का अगर कोई कार्ड खरीद ले, कार्ड खरीदें, ये 1 ईयर्स तक अवेलेबल है, 1 साल तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें बाय वन गेट वन भी दिया हुआ है हमने, ये बाय वन गेट वन का कार्ड है। सही, ये बाय वन गेट वन। अच्छा, ये मैं दिखाती, ये कार्ड भी इन्होंने जो है वो अलग से सॉरी दिया हुआ है, ये फ्लेवर वगैरह भी लिखे हुए चिकन पनीर, फ्लेवर अगर आप देखना चाहें, एपेटाइज़र है ये, और ये पास्ताज वगैरह भी है, स्पेशल पिज़्ज़ा में चिकन टिक्का, फजीता, तंदूरी, सिसिलियन हॉट और मलाई बॉडी वगैरह, और जो दूसरे जो फ्लेवर ऑल ओवर फ्लेवर मिल जाएंगे आप। सही, आपकी अपनी कोई ये होती है ना, जैसे अपना डिलाइट है, हमारा अपना फ्लेवर है, या माशाल्लाह आप ये चेक करके देखिए, खा के देखिए, माशाल्लाह ये पसंद आएगा, हमारे कस्टमर को रेफर बहुत करते हैं। सही, इसके अलावा अदरवाइज हम आपको किचन में ले चलेंगे, किचन के अंदर हम आपको मेकिंग वगैरह करके दिखाएंगे, पिज़्ज़ा बनता किस तरह, तैयार किस तरह होता है और इसमें क्या क्या एडिशन करते हैं। सही, बहुत अच्छा। अच्छा, ये आपके पास ये मैं देख रहा हूँ कुछ फूड पांडा के ब्रोशर और इनका सेटअप वगैरह डिवाइसेस हैं, तो ये इसका क्या तरीके का है, क्या जाएगी? फूड पांडा के अंदर हमारी डील्स चल रही है, फूड पांडा के अंदर आप ऑनलाइन उनको अकाउंट्स अपने
ये कार्ड दिया हुआ है ऑनलाइन में, उनको ऑर्डर करेंगे सबमिट करेंगे तो 300 का फूड पांडा की तरफ से आपको डिस्काउंट भी मिलेगा पर ऑर्डर पे, मगर एक आईडी पे एक चलेगा, तो फूड पांडा के थ्रू भी आप हमसे मंगवा सकते हैं। अच्छा, ये फूड पांडा की जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करके एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप ऑनलाइन इससे ऑर्डर मंगवा सकते हैं। इनका कोई स्पेसिफिक डिलीवरी टाइम होता है कि इतने टाइम में आपने पहुँचाना है? 40 to 45 minutes में आप जो है वो डिलीवर करते हैं। चलें, बहुत अच्छे आपके इन्वायरमेंट भी यहाँ पे एरिया के लिए। हम इसे रिक्वेस्ट करेंगे कि किचन का अगर प्योर हो जाए तो नाज़रीन के लिए भी थोड़ी सहूलत हो जाएगी, कुछ टेक्नोलॉजी में इजाफा होगा। हम भी देखें, आपको दिखाते हैं किचन, आपको दिखाते हैं अपना, और इंशाल्लाह मैकिंग करके दिखाते हैं, फिर आपको हमारा परफॉर्मेंस देखें माशाल्लाह। सही, चलिए जी, इनके साथ फिर हम जो है वो किचन की जानिब चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं अंदर पहुँच के। व्यूवर्स, ये अपने किचन में लेके आ गए हैं, तो आज आप लाइव देख रहे हैं पिज़्ज़ा 360 का किचन, और ये आज बता रहे हैं कि जो पिज़्ज़ा है इस वक्त रेगुलर आप बना रहे हैं? जी, रेगुलर बना रहा हूँ। इसके अंदर मैं रेड सॉस ऐड कर रहा हूँ, ये हमारी रेड सॉस लग रही है इसके ऊपर, और इसके बाद फिर हम इसमें ऑनियन डालेंगे। ये ऑनियन ऐड हो रही है इसके अंदर, उसके बाद हम इसके अंदर मीट रखेंगे। ये मीट डल रही है। ये आपके अपने स्पाइसेस यानी कि मैरिनेटेड चिकन है? जी, ये फजीते का मीट है, फजीते का फ्लेवर है, फजीते के फ्लेवर हम आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, फजीता किस तरह बनता है। ये फजीता ऐड हो गया। कुछ कस्टमर्स स्पाइसी खाते हैं तो फिर करश उसमें थोड़ी सी क्रश ऐड कर देते हैं हम, तो कस्टमर ये हमने क्रश ऐड कर दी है उसमें। अब हम इसके अंदर चीज ऐड कर रहे हैं, ये इसके अंदर मोज़रेला चीज डाल रहे हैं। मोज़रेला चीज, अच्छा ये थोड़ा सा मेरी भी कंफ्यूजन है और मेरे ख्याल है बहुत से व्यूवर्स की भी होगी कि मोज़रेला चेदर और इस तरह जो चीज़ होते हैं मार्केट में अवेलेबल, घर में लोग ट्राई कर रहे होते हैं पिज़्ज़ा बनाने के, आप अगर कोई इनको टिप देना चाहें कि कौन सा चीज़ बेहतर रहेगा घर में ट्राई करते हैं, घर में ट्राई करने के लिए, घर में बनाने के लिए, तो फिर मोज़रेला ही है। मोज़रेला बनाया तो बेस्ट जबरदस्त। मोज़रेला और चेदर में फ़र्क क्या है असल में? चेदर असल में थोड़ी सी जो है क्वालिटी वाइज हल्की बनाते हैं। अच्छा, और मोज़रेला प्योर होती है। मोज़रेला चीज़ से आप लोग पिज़्ज़े के जो टेस्ट है वो बेहतर आएगा, अच्छा आएगा, रिजल्ट आएगा। जो आप उसके अंदर लेस वगैरह जो चाहते हैं वो सब निकलेगी, उसके अंदर चेडर में नहीं निकल पाएगी। ये हमने चीज़ ऐड कर दी इसके अंदर, अब इसके अंदर हम ग्रीन पेपर डालेंगे। अब इसमें ये ग्रीन पेपर ऐड हो रहा है, ऐड कर दिया हमने। अभी फजीते का पिज़्ज़ा रेडी हो गया है। ठीक है, नाइस सा लुक आ रहा है इसका। अच्छा, अब ये बिल्कुल रेडी है, ओवन में जाने के लिए? अभी ओवन में 5 मिनट्स के लिए इसको बैक करेंगे हम, उसके बाद ये रेडी होकर बाहर आ जाएगा, फिर हम कस्टमर को सर्व करेंगे। ठीक है, मशरूम ऐड कर रहे हैं, मशरूम से इसके टेस्ट में और आपको बेहतर ज़्यादा और बेहतर कवर्ड हैं, ये आप देख रहे हैं स्टैकिंग में प्रॉपर तरीके से। ये इनकी पिज़्ज़ा डो है जो रेडी टू प्रिपेयर है, रेडी टू मैक हैं, तो इससे ये पिज़्ज़ा बनाते हैं, बहुत ही फ्रेश हैं।
अच्छा व्यूअर्स, एक खास बात मैं आपको बता चलूँ, मैंने एक दो चीज़ें नोट की थी यहाँ पे, फिर मैंने इनसे रिक्वेस्ट की ज़रा मुझे बताएं। खासतौर पर जो सॉस यूज़ कर रहे हैं ये टिन पैक यूज़ कर रहे हैं, और जो मैंने जो चिकन वगैरह बाकायदा बहुत अच्छी पैकिंग में पूरा पैक्ड है, और बैच नंबर और मैन्युफैक्चरिंग डेट भी इस पर लिखी हुई है, जो कि मैंने बहुत ही कम जगहों पर देखी, और आपने ऑब्जर्व किया होगा कि शाज़ व नाज़िर ऐसे कहीं बहुत बड़े ही जो स्टैंडर्ड के रेस्टोरेंट होते हैं वहाँ पे मेंटेन किया जाता है। तो बहरहाल इन्होंने मेंटेन किया, बहुत अच्छी बात है, हम इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं। तो इनसे थोड़ा सा पूछ लेते हैं हम, ये इसके अंदर हम ये चीज़, ये वाली ब्लॉक होता है इसका चीज़ का, ये हम यूज़ करते हैं, ये मोजरेला है, ये लिखा हुआ है इसके ऊपर, और ये हलाल होती है। यानी कि ब्रांडेड और पैक है तमाम चीज़, पैक आइटम लेते हैं हम लोग। ये आपके सामने है ये ब्लिस्टर पैक, वही में इस ब्लिस्टर पैक में से हम ये मोजरेला वगैरह यूज़ करते हैं। ये आप देख रहे हैं इसमें मोजरेला पड़ी हुई है, मोजरेला, और अदरवाइज अगर आप घर पे भी बनाना चाहें तो घर पे मोजरेला ही चीज़ यूज़ करें, तो उससे आपको बेटर टेस्ट मिलेगा। ये हमारी पेस्ट, टोमेटो पेस्ट है, इसके हम सॉसेज रेड सॉस बनाते हैं, और ये अगर आप देख सकें साइड इसमें लिखी, ये आप देख रहे हैं ये रेड सॉस इसी से बनाई हुई हमने। ये भी टिन पैक हम लेते हैं इम्पोर्टेड, और ये एक्सपायर वगैरह सब ये चेक करके हम लोग लेते हैं, ये सब चीज़ें एक्सपायरी डेट इसमें आ रही है। ये देखिए, ये देखिए 15/10/20 डालते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये मीट है हमारा, मीट हम लोग ब्रांडेड यूज़ करते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो कि आप देख सकते हैं कि टोटल पैक्ड है, फ्रेश है, और ये आप लेबल भी इसके ऊपर देख सकते हैं, डेट वेट सब मेंशन है इसको, चिकन टिक्का वगैरह हर चीज़ मेंशन करके हर चीज़ देख के हम लोग लेते हैं, कस्टमर को सेटिस्फाई करना होता है। प्रॉपर स्टैकिंग हुई हुई है ताकि जो कस्टमर है उनका फॉरन डिलीवर वगैरह कर सकते हैं। चलिए, ओवन का टाइम पूरा हो गया है, ये पैक हो चुका है प्रॉपर जो पिज़्ज़ा है। ये देखिए जी, ये बिल्कुल एकदम फ्रेश है और हॉट है। अब ये इसकी जो है वो स्लाइसिंग करेंगे, वो देखते हैं। देखिए मोज़रेला अपनी जगह फैली हुई है, ठीक है ना, मोज़रेला प्योर होती है। आप अगर घर पे भी ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको इतनी टेस्ट मिलेगा। इसकी कटिंग कर रहे हैं, ये देखिए जी, ये पिज़्ज़ा मैं किस तरीके स्लाइस करते हैं, ये कटर है पूरा, इससे कटर है, कटर ये इतना बड़ा कटर है। ये इसमें हमने एक डिप सॉस रखी हुई है, डिप सॉस से इसका टेस्ट और अच्छा हो जाता है जब आप इसका सब लगा के खाएंगे। जो कुछ कस्टमर्स हैं इनके हम कमेंट्स भी ले लेते हैं, जो पिज़्ज़ा के और हैं अभी ये ऑर्डर का वेट कर रहे हैं, पिज़्ज़ा इनका आने वाला है, और बार बार जो है ये किचन की तरफ देख रहे हैं, ये पिज़्ज़ा आ गया इनका। थोड़ा सा अस्सलाम वालेकुम, अपना नाम बताएंगे भाई? मेरा नाम एहसन समी जी, एहसन समी। तो एहसन भाई आप बताएंगे, ये जो पिज़्ज़ा है ये पिज़्ज़ा 360, तो कैसा तजुर्बा रहा आपका और कैसा फ्लेवर है, क्या कमेंट देना चाहेंगे आप इनको? भाई ये बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर है, बहुत मज़ेदार इसमें पनीर का टेस्ट है, और दूसरे पिज़्ज़ा और पिज़्ज़ाओं से इनका पिज़्ज़ा थोड़ा बेहतर है। अच्छा। बेहतर नहीं, बेहतरीन है। भाई सर हम पूछ लेते हैं, ये पिज़्ज़ा लेने आए यहाँ पे, अस्सलाम वालेकुम, अपना नाम बताएंगे दोस्त? अच्छा, तो आप भी थोड़ा सा कमेंट्स दे दें, जैसे इन भाई ने दिए कि क्या आपका जो है वो एक्सपीरियंस रहा यहाँ का पिज़्ज़ा 360 का? इनका टेस्ट बहुत अच्छा है और मीट भी बहुत अच्छा होता है, ये अच्छी एवरीथिंग अच्छी चीज़। अच्छा, आपको यहाँ का फ्लेवर कौन सा पसंद है? यहाँ का मलाई बोटी पसंद है। मलाई बोटी, चलें बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, आखिर में ये जो आना है यहाँ पिज़्ज़ा 360 के कामना था, इनको मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा, बहुत शुक्रिया आपका, आपने जो अपना किचन जो हमें विज़िट कराया और पिज़्ज़ा की जो प्रिपेयरिंग बताई है, बहुत कम लोग जो है किचन का एक्सेस देते हैं, आपने दी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने ऐसे कोई ऐसी बात नहीं है, माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा रेफर कराया, किचन वगैरह हमने मैकिंग वगैरह भी सब दिखा दी है। ये है कि आप अपने सब्सक्राइब वालों को चैनल पे सब्सक्राइब करा दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा भाई, ये भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हाँ, सब्सक्राइब कराएँ और लाइक करवाएँ, कमेंट्स दें हमारे। बहुत बहुत शुक्रिया आपको, और इससे अच्छा भी तो मिले।